जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस वेलकम करता हूं आप सभी का स्टडी फॉर जीनियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैं दोस्तों डायरेक्ट बात करूंगा एसएससी जीडी मेडिकल 2021 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र दोस्तों अभी परेशान हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर और अपने मेडिकल को लेकर कि मेडिकल में दोस्तों क्या क्या होगा। खुद मेरा भी मेडिकल है दोस्तों, मेरा मेडिकल है 12 तारीख को, यानी स्टार्टिंग में मेरा मेडिकल है भाई, और मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को लेकर, डॉक्यूमेंट को लेकर मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों बहुत लोगों से पूछा भी है और जो सीनियर है हमसे उनसे ही पूछा है। डॉक्यूमेंट को लेकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउट बना हुआ है भाई स्टूडेंटों का, ठीक है भाई। देखिए मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए हैं और आप भी इन डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है कि अपनी जो 10th की मार्कशीट है मेरे दोस्त, ठीक है, 10th की जो मार्कशीट है उसको दोस्तों अपने पास रख लीजिए। एक तो दोस्तों आपको 10th की मार्कशीट ऐसी होनी चाहिए ओरिजिनल वाली, और उसके दो दोस्तों आप जो है फोटो स्टेट अपने पास रख सकते हैं, यानी हर डॉक्यूमेंट की कम से कम दो फोटो स्टेट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है भाई। किसी किसी की दोस्तों 10th की मार्कशीट ऐसी होती है कि भाई दो होती हैं, एक तो दोस्तों इसमें आपका नंबर वगैरह लिखे होते हैं यानी आपके पासिंग मार्क्स, और एक में डिटेल्स वगैरह होती हैं। लेकिन दोस्तों अधिकतर जो स्टूडेंट हैं उनके पास एक ही होगी। अगर आपके पास दो हैं तो दोनों को रख लीजिए, अगर एक है तो एक को अपने पास रख लीजिए। ये तो है दोस्तों पहला काम। अब दोस्तों अगर आपने उसमें फिलअप किया है आगे का, जैसे मान लीजिए आपने 12th का भी फिलअप कर दिया था, अगर आप ग्रेजुएट हैं वो भी फिलअप कर दिया है, तो उसको भी दोस्तों अपने पास जरूर रख लीजिए। यानी 12th की मार्कशीट और दोस्तों यहाँ पर जो ग्रेजुएट आपने किया है, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए आपने उसमें फॉर्म में फिलअप किया है कि मैं ग्रेजुएट भी हूँ, तो उनकी मार्कशीट भी आप जरूर अपने साथ ले जाइएगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाई ये देखो 50-60 रुपये का लोभ नहीं करना है आपको, 50-60 रुपये बहुत छोटी बात है इस टाइम, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाने हैं क्योंकि इतना वजन उसमें नहीं होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका आधार कार्ड, दोस्तों आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या दोस्तों आपका पासपोर्ट हो, इनमें से एक दोस्तों आपको अपना जो आईडी कार्ड होता है, जो पहचान पत्र होता है, वो आपको अपने साथ ले जाना है, और इसकी कम से कम 3 फोटो स्टेट, मैक्सिमम 3 ले जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जरूरत कहीं भी पड़ सकती है भाई। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और दोस्तों पासपोर्ट, ये अपने साथ जरूर ले जाएं। और दोस्तों 4 फोटो, जी हाँ फोटो, 4 फोटो। अब फोटो को लेकर दोस्तों अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है कि फोटो वही होने चाहिए जो एडमिट कार्ड में है या अलग चल जाएंगे। देखिए दोस्तों बिल्कुल आपकी टेंशन दूर करने वाला हूं, मैं भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो आप दोस्तों यहां पर कोई से भी फोटो ले जा सकते हैं अपने, लेकिन काफी पुराने नहीं होने चाहिए। चाहे दोस्तों आपके पास वो फोटो नहीं है, अगर बाई चांस आपके पास वो फोटो नहीं है जो आपने दोस्तों अपने एडमिट कार्ड में लगाए हुए हैं, या एडमिट कार्ड में जो आपको फोटो लगा हुआ वो नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप दोस्तों अलग से अगर आज भी खिंचवाते ना तो वो भी चल जाएंगे, लेकिन काफी पुराने नहीं होने चाहिए, अभी दोस्तों रिसेंटली 1-2 महीने के होने चाहिए, वो चल जाते हैं, ठीक है। तो 4 फोटो आप ले जा सकते हैं, इससे कम नहीं चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल ले जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों यहां पर अपना एक तो जाति, जिसे दोस्तों आप क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आप कास्ट सर्टिफिकेट, और दोस्तों मूल निवास, ठीक है, जाति और दोस्तों मूल निवास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जाति को लेकर काफी ज्यादा दोस्तों डाउट है, जाति कौन सी होनी चाहिए, तो देखिए मेरे दोस्त सेंट्रल लेवल की जाति आपके पास होनी चाहिए मेरे दोस्त, चाहे आप SC में है चाहे दोस्तों ST में, ठीक है। आपको सभी के लिए बता रहा हूं भाई, ये एक तो जो जेंडर वाले होते हैं उनकी जाति चलती नहीं है। आप दोस्तों यहां पर SC ST वाले जो भी हैं भाई, जिनको जाति वहां पर अप्लाई देनी है, तो वो दोस्तों अपनी यहाँ पर अपनी भैया जाति उनकी सेंट्रल लेवल की चलेगी, स्टेट की नहीं चलेगी, ठीक है। आई होप आप सभी ने बनवा ली होगी, अगर नहीं बनी है ना भाई, जिसका अभी काफी टाइम है मेडिकल में, तो बनवा लीजिए प्लीज दोस्तों। आप दोस्तों बिल्कुल पहुंच जाइए अपने तहसील पर, वहां पर 1-2 दिन के अंदर बन जाती है। मूल निवास भी दोस्तों अभी आपका ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैंने दोनों चीज नहीं बनवाई है भाई, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहां पर ये आपकी जाति मूल निवास हो गया और ये आपका हो गया, और फ्रेंड्स यहाँ पर और क्या होना चाहिए आपका जो मेरे पास है, जो और इसके अलावा दोस्तों आप ले जा सकते हैं इसमें, ये इम्पोर्टेंट, और अपना दोस्तों एडमिट कार्ड, जी एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में दोस्तों साथ में अपना जो COVID-19 वाला जो आया है दोस्तों, प्लस में इसमें COVID-19 का जो फॉर्म आया है उसको भी दोस्तों जरूर निकलवाएं, उसको बहुत से लोग नहीं निकलवा रहे हैं, इसलिए दोस्तों उसको भी जरूर निकलवाएं, उसको दोस्तों फॉरम में
फिलअप होगा भाई वो, ठीक है। और जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, जिसने दोस्तों एनसीसी के लिए अप्लाई किया है, तो एनसीसी का अपना सर्टिफिकेट भी ले जाएं भाई साथ में, ठीक है। और भी आपको जो हाइट में छूट मिलेगी, आपको जो एसटी वाले हैं, गोरखा वगैरह जो हैं, वो हाइट में छूट पाने के लिए अपने दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट ले जाएं हाइट में, या दोस्तों उसमें एज में जो रिलेक्शन मिलता है उसको जरूर ले जाएं भाई, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ले जाने भाई, ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई एक ले जाना है। जो आइडेंटिटी कार्ड होता है आपका, जो पहचान पत्र होगा, उसमें से कोई एक ले जाना है आपको, चार फोटो, जाति, मूल निवास और एडमिट कार्ड, कोविड-19 वाला प्लस में फॉर्म जो आता है वो, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर पास है, आपने अप्लाई किया है तो ले जाएं, ठीक है भाई। और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, देखिए मैंने ये काम जरूर किया भाई, अपना चरित्र प्रमाण पत्र और दोस्तों यहां पर अपना अविवाहित, ठीक है, अविवाहित, ये दोस्तों अपना ले जा सकते हैं भाई, मैंने इसको बनवा लिया है, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधान, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो प्रधान के पास जाइएगा, एक साइबर कैफे वाले पास जाइएगा, वहां से ये फॉर्म निकालेगा, उनसे बोलिए कि चरित्र प्रमाण पत्र और अविवाहित का प्रमाण पत्र का जो फॉर्म होता है वो निकाल के दे दीजिए, उस पर आपको मोहर लगवानी है, बस उसको फिलअप करके उस पर मोहर लगवानी प्रधान की। ये दोस्तों ले जा सकते हैं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, बोल रहा हूँ इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बनवा लिया है भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ मैंने बनवाया है, तो आप भी ले जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसके अलावा आपको और भी कोई, मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है भाई अपने साथ, ठीक है। अब आपको देखो करना क्या है, जिसका बारे में मेडिकल है सुबह को है, तो वो दोस्तों अपने सबसे पहले क्या काम करें, जितने भी दोस्तों तीन दिन तो अब हो चुके हैं भाई, सही है, 9 तारीख हो चुकी है, तो आज से ही दोस्तों, आज या कल में वो काम कर ले, सबसे पहले अपने कान साफ करवाए, किसी भी दोस्तों जो अपना चिकित्सा होता है, जो भी अपना डॉक्टर वगैरह होते हैं कान के, उनसे करवा लीजिए, और आँख को एक बार दोस्तों चेकअप करवा लीजिएगा, आपका जो चश्मा वगैरह बनाते हैं दुकानों पर, वहां से चश्मे वाली शॉप पर जाइए और वो आपका चेक कर देगा, 50-60 रुपये लेता है, कर लेगा, और अपने दांतों को साफ करा कर जाइएगा, ठीक है भाई। और भी जितने दोस्तों आपके बाल वगैरह होते हैं प्राइवेट पार्ट के, जितने बाल हैं या जहां भी बाल आपके आते हैं, उनको साफ क्लियर करके जाइए, बहुत से लोग नहीं जाते हैं जिससे बदबू हो जाती है, तो मेरे दोस्त ये गलती आप ना करें, ठीक, रियल बता रहा हूं मैं, गलती करेंगे तो पॉइंट बन सकता है, इसलिए दोस्तों सारे जो बाल हैं प्राइवेट पार्ट हो या कहीं भी हो, सारे बाल साफ करा ले। मेरे दोस्तों कटिंग वगैरह थोड़ी अभी नहीं हुई है, मैं भी कटिंग कराऊंगा, छोटे बाल करा के जाएं, ठीक है, जिससे कि आपको भी कंफर्टेबल फील हो और उनको भी हो, डॉक्टर को भी, ठीक है। डॉक्टर को जो अगर कहीं भी दिक्कत आती है ना, तो वो गुस्से में कर देता है भाई, डॉक्टर के कुछ मूड का नहीं पता है, इसलिए आपको अपनी सफाई पूरा ध्यान से जाना है, नाखून वगैरह सब काट के जाइएगा, ठीक है। और भी दोस्तों जो बाल हैं छोटे छोटे करा लीजिए, मेरे थोड़े बड़े हैं, मैं छोटे करा लूँगा कल, और ये जो आपकी दाढ़ी वगैरह है इसको भी छोटे छोटे करा लीजिएगा बिल्कुल ठीक से, और नाक वगैरह सब साफ करके जाइएगा, आँख वगैरह, कान वगैरह, सारा कुछ दोस्तों अपनी तरफ से बिल्कुल ओके होना चाहिए, ठीक है। और जिसने भी अभी तक मेडिकल नहीं कराया, प्री मेडिकल, तो वो अगर ज़रूरत है तो करा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिलहाल तो अभी फिलहाल आपको बस डरना नहीं है, अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, घबराना नहीं है, जैसे जैसे डॉक्टर बोले ऐसे ऐसे करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, हंसना नहीं है डॉक्टर के सामने। अगर आप दोस्तों वहाँ पर ओवर एक्टिंग करते हैं डॉक्टर के सामने, तो भाई आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ मिल सकता है। मेरा हुआ नहीं है मेडिकल, लेकिन जैसे मुझे बताया गया है ऐसे मैं आप सभी को बता रहा हूँ भाई, जैसे लोगों ने मुझे बताया है ऐसे मैं बता रहा हूँ, और जैसे ही मेरा मेडिकल होता है सबसे पहले अपडेट करूँगा भाई क्या हुआ मेरे।